चलिए अब मुंह का वायर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर चार नट्स आएंगे ऊपर, और हर एक नट में दो दो वायर आएगा, एक ऐसे जाएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा। दो दो वायर ऐसे क्रॉस होंगे, उसी जगह पर हमें इंसर्ट करना है। ऐसे जाने वाले वायर को हमें ऐसे बाजू के ऊपर से नीचे की तरफ इंसर्ट करना है। ऐसे ऊपर जाने वाले जो इस साइड के वायर है उसे बाजू के नॉट में स्ट्रेट ऐसे सीधा इंसर्ट करना है, करके ऐसे टाइट कर लीजिए। और एक बार बताती हूँ, दो नॉट्स में ऐसे आपस में क्रॉस होंगे, उसी वायर को हमें इंसर्ट करना है। इस वायर को ऊपर से नीचे की तरफ इस नॉट में, बाजू के नॉट में इंसर्ट करना है, और इस वायर को स्ट्रेट इंसर्ट करना है। फिर बाद में टाइट कर लीजिए। इसी तरह चारों नॉट पर कर दीजिए, उसके बाद हम टाइट कर लेंगे। देखिए मैंने सभी वायर्स एक दूसरे के अंदर डालकर ऐसे पकड़ के टाइट कर दिया है। अब हमें सेंटर पर स्क्वायर शेप आएगा ऐसा। अब आपको क्या करना है, इन वायर को जिस डायरेक्शन में जा रहे उसी डायरेक्शन में आपको इंसर्ट करना है। जैसे ये ऐसे जा रहा है ना, तो उसके बाजू में जो नॉट्स हैं उसके अंदर ऐसे इंसर्ट करना है। अगर ऐसे नहीं हो रहे तो स्क्रू ड्राइवर या सुई की मदद से भी आप कर सकते हैं। एक नट डाल दिया और एक नट डाल लेते तो टाइट रहेगा। अब ये ऐसे जा रहे थे इसके बाजू में, यहाँ पर इसी तरह आपको सभी वायर में इंसर्ट करना है। नहीं जा रहा है तो थोड़ा से स्क्रू ड्राइवर से लूज कर लीजिए तो आसानी से चला जाए। डाल के ऐसे टाइट कर लीजिए, ठीक है। अब इस साइड में जो जा रहा है ना, इसे इसके बाजू में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके बाजू में जो है वहीं पे हमें इंसर्ट करना है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। देखिए ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा लूज कीजिए। वो फूल वगैरह माला बांधते हैं ना, वो सही रहेगा तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप वायर को थोड़ा शार्प कर लीजिए। वायर ऐसे थोड़ा ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे रख के खींच लीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही अब इसके बाजू में यहाँ पर एक बार डाल दीजिए। इसी तरह सभी वायर को इंसर्ट कर लीजिए। देखिए मैंने सभी वायर इंसर्ट करके काट दिया, आप भी इस तरह काट दीजिए। जितना हो सके उतना नीट करने की कोशिश कीजिए। अब हमें ऐसे एक कान बनाना है। मैंने एक कान बनाया है। यहाँ पर जो हमने इंसर्ट करके जो वायर्स कट किए थे वेस्ट हुआ था, इसमें सबसे लंबा चार वायर ले लीजिए। उसमें दो दो वायर लेके हमें ऐसा जैस्मिन नॉट बनाना है। कैसे करके बताती हूँ, कि हमें इक्वल लेंथ पर नहीं फोल्ड करना है, इतना कितना बस छोड़ दीजिए, छोड़ के फोल्ड कीजिए। उसी तरह इस साइड में भी बस इतना ही छोड़िए। ऐसे एक्स शेप में रखिए। अब इस वायर को नीचे की वायर को इस साइड से लेके
इस लूप पर डालना है और इस वायर को इस साइड से ले आकर इस वायर के ऊपर से इस लूप के अंदर जोड़ना है और इस लूप में भी आपको जोड़ना है। अब आप टाइट कर लीजिए। यहाँ पर छोटा होना चाहिए और यहाँ पर लंबा होना चाहिए, ठीक है। अब हमें इसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर सर के बाजू में आपको ट्रायंगल शेप दिखेगा, दोनों साइड में दिखेगा। तो मैंने पहले इस साइड में डाल दिया है, अभी इस साइड में हमें इसे डाल के नीचे जो हेक्सागन शेप है ना, इसके अंदर से हमें बाहर लेकर आना है। थोड़ा सा देख के टाइट होगा, थोड़ा आप थोड़ा वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इसके अंदर डाल सकते हैं। पहले मैं ये छोटा वाला डाल रही हूँ, देखिए नीचे आ गया। इसी तरह इन बड़े वायर को भी आपको एक एक करके इसी होल से आपको बाहर लेकर आना है। इसी को भी ऐसे लाना, अब इसे टाइट कर लीजिए। जितना टाइट हो सके उतना खींच लीजिए सभी वायर को। अब हमारे पास चार बड़े वायर और चार छोटे वायर होंगे। इसे क्या करना है, ये ऊंट के बाजू में से रस्सी बांध कर पकड़ के लेके जाते हैं ना, तो वो बनाना है। तो ये चार बड़े वायर लेके या तो आप ये जो हमने पूंछ बनाया था ऐसे चार वायर से हैंडल जैसा बना सकते हैं, या आपको वो नहीं आ रहा है तो दो वायर से भी बना सकते हैं। दो वायर बनाने के लिए बाकी सब वायर कैसे रख दीजिए, सिर्फ ये दो ही वायर से आपको बनाना है। देखिए ऐसे एक शेप में रखिए, फिर इसे नीचे लेकर जाइए, फिर इस साइड के वायर को भी ऐसे नीचे लेके जाइए, फिर ऊपर, बस आपको ऐसे ऊपर और नीचे एक्स शेप में लाना है, फिर नीचे थोड़ा बना के फिर ऐसे टाइट कर लीजिए। आपको जो आसान लगे वो बनाइए। ऐसे आपको सिर्फ दो ऐसे एक शेप में ऐसे करते आना है और कुछ नहीं करना है, लास्ट तक ऐसे बना दीजिए। नहीं तो हैंडल जैसा भी बना सकते, दो वायर डाल के जो चार वायर हमने बनाया था ऐसे भी बना सकते। मैं हैंडल जैसा ही बनाने वाली हूँ, तो देख लीजिए। पहले इस वायर को नीचे लेके आए, फिर इसके ऊपर, फिर इसे इस साइड ऊपर, फिर इसे इसके नीचे से इस साइड के ऊपर। अब ऊपर जो है इस वायर को नीचे से ले आकर इस वायर के ऊपर से बीच में से यहाँ पर लाना है, फिर इसे जैसे हम हैंडल बनाते हैं उसी तरह बनाना है, फिर इसे नीचे से दोनों वायर के बीच में से इस साइड लाना है। जैसा हम हैंडल बनाते हैं उसी तरह बनाना है। इसी तरह थोड़ा लंबा बना दीजिए लास्ट तक, यहाँ नहीं पूरा इतना लंबा आना चाहिए। पंथा बनाइए, मैं पूरा बना के आपको बताती हूँ। इतना लंबा मैंने बनाया, अब आपको इसे ये जो ट्रायंगल शेप है उसके नीचे के नीचे जो नॉट है यहाँ पर, अब इसे अंदर इंसर्ट करना है रबर बैंड डाल के या गार्ड बांध के।
अगर आपको लगे कि वो निकल जाएगा तो आप इस नॉट पर भी इसे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं रबर बैंड डाल के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। देखिए मैंने इतना लंबा बना के रबर बैंड डाल दिया, इतना सा छोड़ के काट दीजिए। काट के देखिए ये जो यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर भी डाल सकते हैं या तो उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाले इसमें डाल रही हूँ। ऐसे अंदर घुसा देंगे तो वो निकलेगा नहीं। ये जो रस्सी है ना ऊंट का पकड़ के चलते, वो रस्सी। हमारा ऊंट अभी पूरा तैयार हो गया। आप भी इस तरह बनाकर देखिए, आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।